अस्सलाम वालेकुम। चौधरी कॉस्मेटिक चैनल के साथ मैं हूं अबी लतीफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो हर उस लेडीज़ के लिए है कि जो कैजुअल रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ लगाना चाहती हैं कि जिसके साथ फील हो कि बेस भी नहीं है, नॉर्मल सी लुक हो और नेचुरल लुक आए आपकी फेस में और ग्लो भी पैदा हो। तो आपको ऐसी चीज़ लाजमी चाहिए होती है कि आप सर्दी आगे आ गई है, सर्दी में लोशन भी लगाना होता है, लोशन के साथ स्किन डल भी होती है। आपको आज मैं एक ऐसा मशवरा दूंगा कि आप लोशन भी लगाएं, आपकी स्किन ड्राई भी ना रहे और आपका थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट भी आ जाए और आपको नॉर्मल रूटीन में कुछ और बेस वगैरह लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े, जिसमें लोशन का काम भी हो जाए, बेस का काम भी हो जाए और आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा कोई बेस टाइप भी ना लगे कि आपको फील भी ना हो कि आपने कोई मेकअप वगैरह किया हो। नेचुरल लुक के लिए एक सबसे पहले आपने देखा होगा आज से 4-5 साल पहले एक लोशन आता था, ओले लोशन, ब्लैक कलर की कैप होती थी उसकी और वो बहुत ही ज़बरदस्त लोशन था। मैंने अपनी शॉप पे उसको तकरीबन 10-12 साल इतना ज़्यादा सेल किया है कि वो जब से ख़त्म हुआ था तो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो गई थी कि उसका मुतबादल नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल सी लुक थी उसकी, उसमें हल्का सा वाइटनिंग इफेक्ट होता था। वो आप लगा लें तो आपका ये होता था कि लोशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और बेस भी बन जाती थी। तो उसका मुतबादल जो है ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो आपके लिए जो मैं आज ये दो लोशन लेके आया हूँ, एक ये स्किन वीटा का है और एक ये डर्मा क्लीन का पिंक फ्लूड है, ये दोनों बिल्कुल वही चीज़ है। और आपको अगर कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि आपने दिन में रूटीन घर के कामों में या वैसे आपने बिल्कुल नेचुरल सी लुक अपनी देनी है तो आपको ये लोशन यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि ये स्किन वीटा का वाइट फ्लूड है, इसमें SPF 25 भी है और ये थोड़ी सी बेस लुक है इसमें, इसको आपने माइनर सा लगाना है जिस तरह आप लोशन लगाते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट आएगा। अगर आप इसको ज़्यादा आप वाइटनिंग इफेक्ट नहीं लेना चाहते तो आप इसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब करेंगे तो ये आपकी स्किन में जज़्ब हो जाए। जितनी आपने नेचुरल लुक देनी है उतना ये आपका काम करेगा। आप अगर ज़्यादा इसको ब्लेंड करेंगे तो ये स्किन में जज़ब हो जाएगा, बिल्कुल लाइट सी लुक आ जाएगी। अगर आपने इसको ज़्यादा नुमाया करना है तो आप इसको ज़्यादा ब्लेंड ना करें, तो आप लाइट ब्लेंड करेंगे तो बेस की लुक भी आ जाएगी। इसी तरह ये पिंक फ्लूड है, इसमें पिंक कलर का लोशन होता है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक फार्मूला भी है, एक तो वैसे वाइटनिंग लोशन के साथ है, एक्नी, रिंकल, पिंपल, डार्क स्पॉट्स वगैरह के लिए भी बेस्ट है, फेयर एंड वाइटर स्किन है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको मिलेगा 1150 की रेंज में और ये जो स्किन वीटा का है ये 750 का है। ये दोनों लोशन हैं, सर्दियों के हिसाब से ये तोहफा है आपके लिए। आपको बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि आपने अपनी स्किन पे अगर कोई ऐसी चीज़ लगानी है कि जो फील भी ना हो कि कुछ ओवर लगाया हुआ है, लाइट सी नेचुरल लुक है, तो ये वाली बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको ये कहीं से नहीं मिलेगा तो आप मुझे, ये मैंने व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दिया है, आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।